अब चलेंगे खबरों की ओर। इसी के साथ आज मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उपचुनाव की तैयारियां और कैंपेन शुरू हो चुके हैं, साथ ही प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। वहीं अगर बात की जाए कमलनाथ सरकार की, तो उन्होंने बताया कि 15 महीने की सरकार में ना तो कोई विकास हुए हैं ना ही कोई कार्य हुए हैं, और जमकर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है, 15 महीने की सरकार को झूठा बताया और साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ धोखाधड़ी ही की है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। कि कमलनाथ जी की सरकार में विकास हुआ तो केवल और केवल कांग्रेस के गुर्गों का हुआ। ये बात सही है कि कांग्रेस की सरकार में यदि विकास हुआ तो केवल मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों के बंगले का हुआ। दूसरी बात, कमलनाथ जी ने कहा है कि वो यदि मध्य प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने तो वो कृषि सुधार विधेयक और उस बिल को मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। मैं पहले भी कहता आया हूं कि एक कहावत है कि मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना वो मामा कह पाएंगे। उनका मध्य प्रदेश में 15 महीने का कार्यकाल और ये 2-3 महीने की उनकी नाटक नौटंकी की राजनीति के बाद ये निश्चित है कि वो 11 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में नहीं।